फिल्म्स में क्या होता है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उसको डायरेक्ट करता है डायरेक्टर, और डायरेक्टर भी उस स्टोरी के साथ 3 से 4 साल बिताता है। लेकिन यहाँ क्या था मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था कि ये खुद डायरेक्टर की अपनी स्टोरी है, वो जिस बीमारी को देख कर आया था, जो पेन उसने सहा था, मुझे उसको उसी डिग्री पर लेकर जाना था, विच वॉज मोर चैलेंजिंग फॉर मी। बट आई थिंक डायरेक्टर इज वेरी गुड माय जॉब, मैं उस पेन को एग्जीक्यूट करने में कामयाब रहा काफ़ी है। And the producer Krunal as an actress and Manas as a director were great on the sets. Again, I started in English. So I feel lucky to be a part of this venture. Thank you so much. And film के बारे में अगर मैं बताना चाहूँगी, as a producer, तो मैंने ये film इसलिए produce की है कि हम लोगों तक पहुँच सके और लोगों को बता सके कि आयुर्वेद का हमारे लिए कितना महत्व है। और दूसरी चीज़ कि एंकलोसिंग स्पॉन्डलाइटिस जो HLA-B27 है उसके बारे में लोगों को हम बता सकते हैं। बेसिकली अब मैं कहूँगा कि फिल्म नहीं है, एक सत्य कथा है जो मेरे ऊपर बीत चुकी है। वो बीमारी हुई थी जो लाइलाज है माना जाता है आयुर्वेद में, नहीं एलोपैथी में। लेकिन इसकी जो कंडीशंस जब पेशेंट के ऊपर आप स्थिति होती है, सारे जॉइंट्स लॉक हो जाते हैं, जितने बॉडी के जॉइंट्स हैं सब लॉक होते हैं, ग्रेजुअली एक स्टिक बन जाता है इंसान। तो वो मैं हो चुका था 18 मंथ बेड रिडन का। तो ये एड्रेस जहाँ मैं ठीक हुआ था वो एड्रेस हर घर तक पहुँचाऊँ, आप सब तक पहुँचाऊँ, आपके घर में अगर आसपास में अगर तक भगवान ना करे कोई बीमारी हो, अगर हो गया तो आप लोग सब पहुँचो, पहुँच के अपनी आपके घर में खुशियाँ लौटाओ, मुस्कुराहट वापस आओ। मैसेज है और निदान मतलब सोल्यूशन चलेगा, मैंने भी उसमें एक डॉक्टर का रोल किया और निदान मतलब ये है कि सोल्यूशन, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान में उसका इलाज न हो, खास करके केरला में। और मानस खुद इस बीमारी से जूझ रहे थे तो हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत ज़माने से काम किया, लास्ट में जाके इसकी छूटी हुई, फिल्म कम्प्लीट हुई और मुझे लगता है कि इसी कंट्री के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। जी ये जो निदान है, निदान का मतलब आप लोग समझ रहे हैं सॉल्यूशन, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो, तो इस पर उसी बेस पर बनाया गया। और ये बहुत अच्छा मैसेज है, जिन लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है या जो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं आज तक, मैं चाहती हूँ वो ऐसी जगह जाए जिस बेस पर हमने ये फिल्म बनाई तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, बीमारी ठीक हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। मैं ये कहना चाहूँगा जैसे मानस जी ने बताया कि आजकल सबको सर्वाइकल वगैरह बहुत हो रहा है, नसें दब जाती है और कोई उल्टे सीधे डॉक्टरों के पास भी चले जाते जो ठीक नहीं होते। मानस जी ने कहा कि मैं केरला में इसका इलाज है, काफ़ी लोगों को निदान से मैसेज मिलेगा कि केरला भी जाएंगे तो उल्टे सीधे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, कोई ज़्यादा तकलीफ हो। और इसमें मैंने थोड़ा आगे रोल किया है, आप लोग मुझे भाभी जी में देखते हैं प्रेम कुमार जी का रोल करते हैं। इस पिक्चर में निदान में मैंने एक सिंधी कैरेक्टर मानस जी को हुई थी और जो लाइलाज थी एलोपैथी में, और फिर उन्होंने उनका जो संघर्ष इस बीमारी से जूझते हुए और जो उन्होंने डिपिक्शन दिया है फिल्म में बहुत ही रियलिस्टिक रूप में दिया है। और एक चीज़ और इसमें प्रूव हुई है कि आयुर्वेद जो हिंदुस्तान की धरोहर है और सबसे पुराना ट्रीटमेंट है हमारे इंडिया में और उसी से ही वो ठीक हुए हैं। उन्होंने बहुत ही
बहुत ही सहज भाव से नेचुरल रूप में इस चीज को दर्शकों तक, बहुत अच्छा मैसेज है ये, मैसेज है समाज के लिए। हमारे देश में खासकर औरतों को ये बीमारी बहुत होती है, लोअर बैक प्रॉब्लम, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, और डॉक्टर के पास कई बार ऐसा होता है इलाज नहीं होता, कभी किसी के पैर काट दिए जाते हैं या नी रिप्लेसमेंट होता है तो वो भी सक्सेसफुल नहीं होता है। तो हर किसी को इसके बारे में जानना चाहिए। उन्होंने खुद ने वो सब भुगता है, उसके बाद उन्होंने ये सबको बताया क्योर होने के बाद, और ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है। ये गांव-गांव में, घर घर में, छोटे से घर में, और मुझे तो लग रहा है कि ये चीज़ हम खाली इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में भी दिखाए कि ये फिल्म कितनी अच्छी बनी। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि गिरीश आप शुरू करें अपने इसको, जो जिसकी कहानी है उस कहानी का जो पात्र है, जो मैं खड़ा हूँ लाइफ है, उसको इसने प्ले किया और बेहतरीन तरीके से किया। आप शुरू कीजिए, और मेरी वाइफ का जो रोल किया था वो उन्होंने किया, क्रुणाल ने, उसको ये करेंगे जिन्होंने मुझे एक जो कैरेक्टर ने उत्साह जगाया कि आप सुसाइड मत करो, क्विट मत करो लाइफ को, तो वो उनका नाम है दिलावर अली खान जो कैरेक्टर है, उनका कैरेक्टर मिस्टर संदीप कोचा साहब ने किया था। बाद में बोल, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आज का दिन मानस की ज़िंदगी का, हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है। दुनिया इसे किसी भी नज़रिए से देखे, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ा काम है। इस सपने को प्रणाली ने, मानस ने, मैंने भी किसी हद तक संजोया था, सोचा था कि एक दिन वो घड़ी, वो लम्हा ज़रूर आएगा जब ये फिल्म रिलीज़ होगी और दुनिया तक पहुँचेगी। ये कोई आम फिल्म नहीं है दोस्तों, ये हमारे दिल से निकली हुई एक आवाज़ है, एक पेन जो मानस ने सहा है, और उस पेन से वो, उसने, उसकी ये चाहत है कि उस तरह के पेन से अगर कोई और गुजर रहा है तो उसके घर में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके, और उसका रास्ता है आयुर्वेदा। ये अपना खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ मानस का, वो कहीं ऐसी जगह जाके रुके जहाँ पर एक तरफ उन्हें कह दिया गया था कि तुम अब सिर्फ मौत का इंतज़ार करोगे बेड पर लेट कर। ये लाइन फिल्मी लगती है, लेकिन जिस पर बीतती है वो जानता है कि वो उस टाइम को कैसे गुजारेगा। ये बताना चाहूँगी मैं फिल्म को लेके, जैसे गिरीश ने ऑलरेडी कहा है कि ये एक फिल्म नहीं है, एक ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये ज़िंदगी की हकीकत है। और जो मानस जी के साथ जो घटना घटित हुई है, जो HLA-B27 पॉजिटिव एंकोलाइजिंग, तो ये जो है इसमें ऑलरेडी बता दिया है कि पूरे जॉइंट्स जो है लॉक हो जाते हैं, लुब्रिकेंट ड्राई हो जाता है, धीरे धीरे स्पाइन टूटने लगती है। तो वो कंडीशन में मानस जी पहुँच गए थे, और उसके बाद ये ठीक हुए 18 मंथ्स बाद। तो हमारा जब हमने इनको देखा तो हमारा एक ही मकसद रहा है कि ये देश दुनिया में हमको पहुंचाना है, हर घर तक इस चीज़ को बताना है कि आयुर्वेदा में बहुत ताकत है। आप सिर्फ एलोपैथी की तरफ न जाते हुए बड़ी बड़ी डिसीज़ भी, बड़ी बड़ी चीज़ें भी आप आयुर्वेदा में ट्रीट कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है कि फिल्म के माध्यम से हम लोग घर घर तक पहुँचें, लोगों तक पहुँचें, क्योंकि ये बहुत ईजी माध्यम है लोगों तक पहुँचने के लिए। तो इसीलिए एक सोशल फिल्म है, ये सोशल कॉज है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए, और मीडिया जहाँ तक है हमारे साथ। तो मेरी ये गुजारिश है सबसे कि इस मैसेज को देश दुनिया में पहुंचाए, घर घर तक पहुंचाए, जैसे हमने इसकी ज़िम्मेदारी ली है वैसी आप लोग भी इसकी ज़िम्मेदारी लें, और हर घर में कोई ना कोई एक पेशेंट है, और हमें ये बताना है कि आयुर्वेदा में बहुत ताकत है, लोग ठीक होते हैं और ठीक हो रहे हैं। तो यही मकसद रहा है इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए, और सोशल कॉज है, और सोशल कॉज के साथ साथ आप सभी हमारे साथ जुड़िए, यही आपसे एक दरख्वास्त है। सर, जब आपने पहली बार सर को पर्दे पर देखा तो क्या फील किया आपने, और कितनी मेमोरीज ताज़ा हुई आपकी, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। और मतलब पहली बार कब सोचा कि इस कहानी को पर्दे पर उतारना चाहिए? पहली बार तो आपका लास्ट से शुरू करता हूँ सवाल का। पहली बार जब सोचा ये कि जब मैं उधर एडमिट था केरला में, ये जो बीमारी जानलेवा बीमारी है, और मतलब बहुत ही तकलीफदायी ज़िंदगी था, ब्रेन से लेकर के टो तक हेवी पेन 24 घंटा, 24 आवर, चलना फिरना सब खत्म हो चुका था। तो उस दौरान जब लगा मैं ठीक हो रहा हूँ, हम लोग मुझे ठीक कर रहे, ग्रेजुअली 20%, 30%, 60%,
उसी दौरान मुझे फील हुआ कि नहीं अभी इसके बारे में मैं लोगों तक मैसेज पहुँचूँ। निदान एक ऐसी मूवी है जो एक डायरेक्टर के ऊपर बनी है विच गिरीश सर इज प्लेइंग ऑफ कोर्स जो जो ऑलमोस्ट डिसेबल हो गए थे बट आयुर्वेदा की वजह से कोई कैसे वापस आ सकता है, उन्होंने बहुत ही बखूबी निभाया उस चीज़।